अपना परिचय बताइए। लाल बहादुर चमार। किसको वोट देंगे आप? वोट अखिलेश यादव को। क्यों? क्यों? जिसे प्रत्याशी आ गया तो नहीं देंगे? नहीं। क्यों? अखिलेश यादव जवानों का भविष्य है। पढ़े बहन जी नहीं है? बहन जी है, लेकिन बहन जी बहुत पीछे हो चुकी है। आगे बढ़ाने में वो ठीक है, वो बहुत पीछे हो चुकी है। पहले लोग नहीं है ना, हम वोट दे देंगे दूसरे की तरफ, अखिलेश यादव हार जाएंगे। अखिलेश यादव नौजवानों का भविष्य है, और मोदी जी जो है ये देख रहे हैं, मैं बैठा हूँ ना, उनसे मैं कहा था कि मेरा 70% मुझे बैटरी वाली दीजिए। वो मैं लेटर भेजा था जोगी जी के यहाँ, वो बोले कि आपको 70% मिलेगा नहीं। लिख कर भेजा थे? हाँ जी सर, एकदम मैं सब कुछ लिख कर भेजा था कि मुझे पढ़ा लिखा हूँ, नौकरी की ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने भेज दिया वहाँ समाज कल्याण। समाज कल्याण से मेरे यहाँ फोन आया कि ऐसा है, तुमको ट्राई साइकिल बैटरी वाली नहीं मिल सकती है। बोले थे कि हम पढ़ा लिखा हूँ, नौकरी चाहिए, तो फार्म जी बहुत बार भरा था, लेकिन कोई गया था, कई बार गया था, लेकिन अब मैं नहीं जानता हूँ उसका उसका वो भी नहीं आया। पता ही उसका रिजल्ट ही गायब हो गया था। तो ये बोलिए ना, बोले उसका, नौकरी चाहिए, उसका रिजल्ट नहीं दे तू हमको, नौकरी नहीं एग्जाम का तो नौकरी मिलेगा? ऐसी कोई बात नहीं है। अखिलेश भाई है, नौजवानों का भविष्य है, उनको मैं जिताऊंगा डंके के झोंक। मदन राज, और आप देख रहे हैं राज तकनीक, मैं इस समय कोरिया पार मार्केट में हूँ, और कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर कि आपकी क्या राय है। तो भैया अपना परिचय बता दीजिए। भोला यादव ग्राम मुस्कुरा। कौन जीत रहा है गोसी में? आ? कौन जीत रहा है? राजू राय। राजू राय, इससे पहले 19 में जब चुनाव हुआ था तो आप लोग वोट किसको दिए थे? किसको वोट दिए थे आप? समाजवादी पार्टी को। तो सांसद कहाँ है? कहाँ है सांसद? जेल में। अतुल राय जेल में है। विकास किए हैं? विकास किए हैं? विकास करने का तो भेज दिया, तो विकास के भेज दिया, के भेज दिया, सरकार भेज दिया, सरकार भेज दिया। जीतने से पहले जेल चले गए थे, आपको याद है? अतुल राय। विकास उनका कहाँ दिख रहा है? आपके कोरिया पार में विकास है? तो हम तो केहू का ना देखा था। ठीक है, अपना राय बताइए भैया। अपना नाम? राम प्रवेश सोनकर। कौन जीत रहा है आपके यहाँ? यहाँ देखिए, चुनाव इस बार बहुत दिलचस्प होगा। कैसे? जो 2000 मोदी जी इसके बाद जो जीते थे 19 में, वो पूरा अपना एजेंडा झूठ पर लाकर खड़ा कर दिए। ठीक है, और जनता उस समय गुमराह हो गई। यानी दो बार से आपके कहने? हाँ, दो बार से जनता गुमराह हो गई। तीसरी बार? और इस बार मोदी का पूरे प्रदेश से सुपड़ा साफ होगा। सरकार बन गई तब? नहीं, बनने का कोई सवाल पैदा नहीं है। सरकार बन गई तब क्या कहेंगे आप? कोई हाँ तो वो मान लीजिए कि वो गुमराह हो? नहीं, गुमराह नहीं, ईवीएम का कमाल हो जाएगा। मैंने यानी वो ईवीएम से ही जीतेंगे, हार जाएंगे? नहीं नहीं, जनता जवाब देगी। ईवीएम से ही मोदी चुनाव जीतेंगे, अगर वो इतने ईमानदार हैं तो ब्लड पेपर ला दें। यहाँ से सुधाकर सिंह चुनाव जीते हैं? हाँ। ईवीएम से जीते कि जनता ने जीता है? यहाँ जनता जीता है, यहाँ जनता वहाँ ईवीएम? नहीं सुनिए सुनिए, बताइए, यहाँ जनता तरफा एक तरफा सुधाकर के पक्ष में थी। जीत जाएंगे तो ईवीएम सही है, हार जाएंगे तो ईवीएम गलत है। अरे भाई हाँ, सुनिए, बोलिए। तो उनको ब्लड पेपर से कराने में आखिर क्या दिक्कत है? तो इस्तीफा दिला दीजिए ना। नहीं दिला दीजिए, केवल घोषित से हम दिलवा दें, इस्तीफा हो जाएगा। केवल मैं घोषित से इस्तीफा दिलवा दूं सुधाकर सिंह का। विपक्ष को बोल दीजिए कि सारे लोग चुनाव न लड़े। नहीं तो मोदी जी इतने ईमानदार हैं तो ब्लड पेपर लाते हैं। इसके पहले तो सरकार बनती थी ना? बनती थी, तब ब्लड पेपर से बनती थी ना? इसके पहले ईवीएम से नहीं जीता है? ईवीएम से कहाँ जीते? 2012 में सरकार, ईवीएम से मोदी जी कभी नहीं जीते। 2012 में सरकार, ईवीएम से ही जीते हैं, ब्लड पेपर से नहीं। 2012 में सरकार किसकी थी? 2012 में किसकी थी? 2012 में अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। ईवीएम था कि ब्लड पेपर था, ये बताइए? उस समय ब्लड पेपर था। वो सही था? हाँ वो सही था। ईवीएम था? नहीं, ईवीएम था। अच्छा मान लीजिए ईवीएम था, कैसे नहीं भाई? मान लीजिए ईवीएम था, तब कैसे जीत गए? अब उतना पुरानी बात आप पूछ रहे हैं, याद नहीं है? नए दौर में आइए ना, नए दौर में आइए। नए दौर में ही आ गए हूँ। हाँ बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? किस हिसाब से जीतेंगे अखिलेश यादव जी? अखिलेश यादव नहीं, यहाँ का मुस्लिम माइनॉरिटी जो वोट है, पहले हमारी बात सुनिए। किसी का गुलाम तो है? किसी का गुलाम नहीं है। तब किस हिसाब से? इस बार मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करे। कैसे कर रहे हैं? 7% 8% मिलता है? नहीं, अब ना, अब वो भी नहीं मिलेगा ना। आप बैठा लिख कर लिए हैं क्या? हम लिख कर नहीं, लोगों की आवाज बोल रहे। आवाज नहीं बोले, अपनी आवाज बताइए। हमारी आवाज है, बीजेपी साफ होगी। चलिए ठीक है, आप अपना परिचय बताए भैया। आप बोलिए, आपका नाम? भैया हमारा सुबेदार राजभर नाम है। कौन जीत रहा है आपके यहाँ से? हमारे यहाँ से देखो,
भाई ओम प्रकाश राजभर के लड़के अरविंद राजभर जी हैं वही जीत रहे हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र में जितना है सब लोग मतलब सोच रहा है कि भाई नवयुवक है, नौजवान है, उसको जिताने के लिए सोच रहे हैं सब लोग। अभी देखिए बसपा का वो टिकट क्लियर नहीं है, इसलिए थोड़ा सोच रहे हैं लोग, लेकिन जिताएंगे उसी को अरविंद राजभर। तो अरविंद राजभर में क्या दिख रहा है आपको? नवयुवक है, जवान है और बढ़िया काम करता है। अभी जो काम करते हैं बगैर जीते हुए किए हैं। अरे वो तो सपा का आदमी है। तो भी होगा ना कि सुहेलदेव का आदमी? अरे आदमी है तो उससे मतलब क्या हुआ, वो नौजवान है, बढ़िया काम कर, देखने में हर चीज में अच्छा है वो, इसलिए हम लोग सुहेलदेव आदि है एक नंबर का। चलो नंदलाल राजभर कौन जीत रहा है यहाँ पे? छड़ी छड़ी किस हिसाब से? अरे हम जिता रहे हैं उन्हीं को, लोग बोल रहे राजभर किसी बात उठ ही नहीं चढ़ेगा। अरे जो बोले पागल बोल रहे हैं। किस हिसाब से पागल बोल रहे हैं? हम लोग बदनाम करे पागल नहीं हो? नहीं नहीं बोलेंगे राजभर के बात कोई उठ ही नहीं देगा ओम प्रकाश। अरे हाँ कौन बोल रहा है? और अदर रोड कहाँ से आ रहा है? हमारा जितना बिरादे सब वोट दे, चौहान वोट दे रहे हैं, बाकी अदर वोट मिल ही रहा है। आ रहे हैं बालकृष्ण चौहान बहुजन से, क्या होगा तब? होगा तो उससे क्या होगा? तो अभी चौहान वोट चढ़ेगा भाजपा? चढ़ेगा चढ़ेगा, क्यों नहीं चढ़ेगा? वो नहीं सोचेंगे कि हमारा एक चौहान सांसद बना तो अच्छा है? वो नहीं सोचेंगे, हमारा चौहान ऐसा बना है, मंत्री बना है, इसको नहीं सोचेंगे। दारा सिंह चौहान को वोट देंगे? हाँ दारा सिंह चौहान को लेकर वोट देंगे जी, कि दारा सिंह चौहान है, लालकृष्ण सिंह चौहान को दे दो। यही नहीं सोचेंगे कि मंत्री बन जाए, सांसद बन जाए, भी सोच सकते हैं? अभी सोच सकते हैं, फिर भी वोट करेंगे, वोट करेंगे। चलो ठीक है, वोट वाली बात ना या लोट वाली बात? ठीक है क्यों ना बात। अमित शाह क्या मोदी के? ओके कहिदा कि जनता में सहारा का पैसा गयल। ठीक है उन्हन के दे, पहले अमित शाह से पूछा कि तू 25 करोड़ तो के सहारा वाला दिले कि ना दिले? ठीक है ले लेवा कि ना? पूरा जनता का पैसा था। पूरा जनता का पैसा, वो तो बोले थे ना कि फार्म भरना है, फार्म भर के ऑनलाइन कुल कर दे, और 300 घरों से वो गए। हो सकता है सोच रहे होंगे कि तीसरी बार सरकार बनाई, ये लोग सोचते थे, इन लोग बते ना हो, ये लोग सोचे थे जनता के बारे में, जनता ने तो ये लोग अपन देखा। ठीक है जनता कर देता है सारी पे जीता कोई नेता, कोई नेता बोला दिया ना, रुका तो हम का हम तो बोले दा कोई नेता देखिए यहाँ से दारा जीतल, दारा जीतल तो अपन पेट भरे खातिर भाग गए बीजेपी में। अच्छा अना फिर हार के गई लो, तीन लोग का हमसे पूछे थवा, सब अपन अपन पेट भर, जनता चूल्हे भाड़ में जाओ, आपके हिसाब से कौन जनता के चक्कर में केहू नेता ना? ठीक है अपने चक्कर में वोट जाएंगे ना, वोट हमारा मन किसी को भी दे सकते हैं, देंगे ना फिर भी देंगे। हाँ भाई वोट तो देंगे, जो जीत करो भी कहीं बदल गया तब बदल जा भगा। आपको बताते हैं कि यहाँ की जनता है कोरिया पार की, इनकी अलग अलग राय है, कुछ समाजवादी है, कुछ भाजपा है, कुछ लोग कर रहे हैं जीतने के बाद कोई काम नहीं करता। आपके क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ऐसी खबरों के लिए राज तक न्यूज चैनल देखते रहिए।